Write a statement or a set of statements to accomplish each of the following tasks. आगे कुछ टास्क लिखे हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनसे कम उनके अन उत्तर के रूप में हमें एक एक्सप्रेस स्टेटमेंट लिखना है, सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट लिखना है. पहला क्वेश्चन, सम द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 99 यूजिंग ए फॉर स्टेटमेंट. एज्यूम द इंटीजर वेरिएबल्स सम एंड काउंट हैव बीन डिफाइंड. ये मान लेते हैं कि सम और काउंट नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं या डिफाइन किए जा चुके हैं. उसके बाद हमें फॉर स्टेटमेंट लिखना है जो 1 से लेकर 99 तक के ऑड इंटीजर्स मतलब विषम संख्याओं को जोड़ सकता हो. तो इसके लिए हम पहले सम को इनिशियलाइज करेंगे, सम इक्वल टू 0. फिर एक फॉर स्टेटमेंट लिखेंगे मतलब फॉर लूप लगाएंगे जिसमें काउंट को स्टार्ट कर रहे हैं 1 से जो उसकी इनिशियल वैल्यू है. बाद में काउंट को पे कंडीशन लगाएंगे कि वो लेस देन और इक्वल टू 99 हो क्योंकि हमें 99 तक ऐड करना है और ओनली ऑड इंटीजर्स विषम संख्याओं को ऐड करना है. इसलिए काउंट में जो इंक्रीमेंट है वो 2 का देंगे. बॉडी में सम प्लस इक्वल टू काउंट या सम इक्वल टू सम प्लस काउंट लिख देंगे. प्रिंट द वैल्यू 333.546372 इन ए फील्ड विड्थ ऑफ 15 कैरेक्टर्स विद प्रिसीजन ऑफ 1, 2, 3, 4, and 5. लेफ्ट जस्टिफाई द आउटपुट. व्हाट आर द 5 वैल्यूज दैट प्रिंट. एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है या हमें आवश्यकता अनुसार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने हैं जो इस नंबर 333.546372 को प्रिंट करे और उसको 15 करेक्टर्स में प्रिंट करे मतलब 15 स्पेस इसको प्रिंट करने के लिए काम में ले और उनमें प्रिसीजन मतलब दशमलव के बाद में एक डिजिट प्रिंट करे. दोबारा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें 2 डिजिट प्रिंट करे. तीसरी बार लिखना है उसमें 3, चौथी बार लिखना है उसमें 4 और पांचवी बार में 5 डिजिट प्रिंट करे और आउटपुट है उसको लेफ्ट जस्टिफाई करना है मतलब आउटपुट है वो लेफ्ट साइड में अलाइंड होना चाहिए और इस तरह से प्रिंट करने के पर इनके आउटपुट क्या होंगे. तो लेफ्ट इसको जब लेफ्ट जस्टिफाई करना होता है हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें को लेफ्ट जस्टिफाई करना है मतलब लेफ्ट साइड में अलाइन करना है तो हम कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज के बाद में हाइफन लिख देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं. और बाद में हमारे क्वेश्चन में है कि 15 करेक्टर्स में प्रिंट होना चाहिए तो हम 15 जितने करेक्टर्स में प्रिंट होना है उतने नंबर लिख देते हैं. बाद में प्रिसीजन यदि 1 लिखना है तो दशमलव के बाद में 1 लिख देते हैं मतलब हम लिखेंगे परसेंटेज माइनस 15.1 और चूंकि ये फ्लोट नंबर है इसलिए एफ तो परसेंटेज माइनस 15.1 एफ ये कन्वर्जन स्पेसिफायर लिखेंगे. आगे जो भी नंबर हमें प्रिंट करना है वो नंबर लिख देंगे तो ये 1 डिजिट प्रिंट होगी. यहाँ पॉइंट और कोई चेंज नहीं आएगा. दशमलव के बाद में 2, 3, 4, 5 जितने हमें जितना हमें प्रिसीजन लेना है जितने दशमलव के बाद में पॉइंट लगाने हैं वो नंबर लिख देंगे. इनका आउटपुट क्या होगा तो सबसे पहले का आउटपुट होगा 333.5 दूसरे में 5, 4 है लेकिन 4 के आगे 6 लिखा हुआ है इसलिए 4 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और 333.55 प्रिंट करेगा. उसके आगे वाले में 5 पॉइंट के आगे 546 प्रिंट करेगा. उसके आगे पॉइंट के बाद में 54637 है और 4 डिजिट प्रिंट करनी है इसलिए 3 की जगह 4 प्रिंट करेगा क्योंकि उसके आगे वाली संख्या 5 से ज़्यादा है और लास्ट में 2 को इग्नोर करके प्रिंट कर देगा 333.54637. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2.5 रेज टू द पावर ऑफ 3 यूजिंग द पॉप फंक्शन.
print the result with a precision of 2 in a field width of 10 positions. What is the value that prints? हमें एक सी प्रोग्राम लिख एक स्टेटमेंट लिखना है जो POW फंक्शन को पावर फंक्शन के लिए जो मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन होता है POW उसको काम में ले और 2.5 रेज टू द पावर ऑफ 3 प्रिंट करे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करे। प्रिंट करने का मेथड है कि वो 10 स्पेसेज में प्रिंट करेगा, 10 10 जगह पोजीशंस लेगा उसमें प्रिंट करेगा और दशमलव के बाद में 2.2 डिजिट प्रिंट करेगा। इसमें आउटपुट में वैल्यू क्या प्रिंट होगी? तो ये 10 हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे जिसमें कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज 10.2f दे देंगे और पावर फंक्शन है 2.5 की पावर घात 3 निकालना है, 2.5 की घात 3 निकालना है। तो POW फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट 2.5 और सेकंड आर्गुमेंट 3 लिख देंगे। इसका आउटपुट हम नहीं लिखा है तो आउटपुट के लिए इसको प्रोग्राम लिखकर देख लेते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, ये लिखे जा चुके हैं। वैसे तो 2.5 टू द पावर 3 625 कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंट एफ परसेंटेज 10.2f न्यू लाइन POW 2.5 3 और मैथ लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो इंक्लूड मैथ डॉट एच ये प्रोग्राम लिखा है, इसको कंपाइल करते हैं। gcc-o test7example test7.c तो इसका आउटपुट होगा 15.62 और इधर स्पेस आएंगे क्योंकि ये 5 डिजिट में प्रिंट हुआ नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 स्पेस इधर फ्री रह जाएंगे क्योंकि टोटल हम 10 डिजिट में प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 20 यूजिंग ए व्हाइल लूप एंड द काउंटर वेरिएबल एक्स। अज्यूम दैट द वेरिएबल एक्स हैज बीन डिफाइंड बट नॉट इनिशियलाइज्ड, प्रिंट ओनली 5 इंटीजर्स पर लाइन। मतलब हमें व्हाइल लूप यूज कर व्हाइल स्टेटमेंट लिखना है, उसमें एक काउंटर वेरिएबल जो है वो एक्स लेना है और एक्स को इनिशियलाइज नहीं करना है, इनिशियलाइज किया हुआ नहीं है, एक्स को डिक्लेयर किया जा चुका है। तो हमें उस एक्स से एक प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट लिखने हैं जिससे वो 1 to 20 एक से लेकर 20 तक के इंटीजर प्रिंट कर दे और हर 5वें इंटीजर के बाद में न्यू लाइन में प्रिंट करे। मतलब 1, 1, 2, 3, 4, 5 बाद में नई लाइन में 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से प्रिंट करे। तो इसका आंसर है हम एक व्हाइल स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें एक्स लेस देन और इक्वल टू 20 लिखेंगे, इसको डिफाइंड नहीं किया गया है, पहले डिफाइंड किया गया है, इनिशियलाइज नहीं किया गया है, इसलिए इसका मतलब इसमें हम पहले इनिशियलाइज भी करेंगे। एक्स इक्वल टू 20 लिखें, एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 20, फिर प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप में हमें प्रिंट कर दिया एक्स को और बाद में हम इसमें स्पेस या जो भी देना है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा देंगे इफ स्टेटमेंट में एक्स परसेंटेज 5 मतलब x का 5 के साथ रिमाइंडर यदि 0 है तो न्यू लाइन प्रिंट करें, ऐसा नहीं है तो टैब या स्पेस प्रिंट करें और बाद में x की वैल्यू इंक्रीज कर दें।
इसके अलावा हम इसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे इनिशियलाइज कर ही दिया, उसके बाद में जो स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, उसमें एक्स परसेंटेज 5 = 0 की कंडीशन पे पहले एक्स को सिंपली प्रिंट करके बाद में इफ स्टेटमेंट लिख रहे थे, इस बार इफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक्स की वैल्यू प्रिंट करें और एक्स प्लस प्लस लिख दिया तो उसी समय ये इंक्रीज भी होता जाएगा। इसका एक तरीका और भी है कि एक्स को 0 से इनिशियलाइज किया और व्हाइल स्टेटमेंट में एक्स लिखने की बजाय प्लस प्लस एक्स लिख दिया, जो सबसे पहले एक्स की ये वैल्यू इंक्रीज करेगा और उसके बाद में उसको कंपेयर करेगा और बाद में एक्स को इफ एल्स के अंदर प्रिंट कर दिया। ये काम जिसमें हम 1 से लेकर 20 तक के इंटीजर प्रिंट हों, ये 4 स्टेटमेंट को काम में लेते हुए करना है, जिसमें हर 5वें नंबर के बाद में न्यू लाइन आ जाए। इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे 4 स्टेटमेंट, जिसमें पहला इनिशियलाइजेशन एक्स इक्वल टू 1 किया, सेकंड कंडीशन लगा दी, थर्ड इंक्रीमेंट, बाद में प्रिंट कर दिया इफ एल्स स्टेटमेंट में, यदि एक्स डिवाइज 5 से डिवाइजेबल है, एक्स में 5 का भाग जाता है तो न्यू लाइन प्रिंट कर दी, अदरवाइज टैब या स्पेस प्रिंट कर दिया। इसको भी हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स को अलग से प्रिंट करने के बजाय इफ एल्स में ही प्रिंट कर दिया।